हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय जैन एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट सोशल बुकमार्किंग एंड इंट्रोडक्शन टू ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के कई सारे पॉइंट्स एंड फैक्टर्स थे, तो कि कोई भी अगर वेबसाइट है, अगर आप उसको डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ऑन पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऑन पेज के बाद में हमारा ऑफ पेज आता है, तो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारा ऑफ पेज क्या होता है, व्हाट इज सोशल बुकमार्किंग, How to do social bookmarking, account creation and management, sites and tools. Okay. So, अगर मैं off page optimization की बात करूँ, एक तरीके से it's a kind of introduction. तो SEO है traditionally divided into two main area, मतलब दो part में divide है। पहला तो हमारा आता है on page optimization और दूसरा आता है हमारा off page optimization. तो on page का मतलब हमने बताया कि जो activity आप main site पर करते हैं, और off page optimization का मतलब ये होता है कि आप अपने उस main website पर backlink क्रिएशन के लिए जो वर्क कर रहे हो उसको हम लोग ऑफ पेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने अपनी मेन वेबसाइट के लिए किया है तो किस तरीके से किया। जैसे कि अगर मैं बताऊँ sanjaywebdesign.com, इस वेबसाइट पर एक यूजर आता है तो किस सोर्स से आ रहा है। यहाँ पे एक URL ओपन कर लेता हूँ, एक टम्बलर का URL है tumblr.com। अब मैंने टम्बलर का एक प्रोफाइल यहाँ बनाया, मैं आपको बताऊंगा ये प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लिंक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब कोई भी अगर इस पे क्लिक करता है तो कहाँ पे जाएगा, एक स्पेसिफिक यूआरएल है। ओके, तो कोई भी अगर क्लिक कर रहा है तो एक तो ट्रैफिक मिल रहा है, जैसे आपने देखा यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक भी मिला, सेकेंडली एक बैकलिंक भी मिला। बैकलिंक का मतलब ये कि इस वेबसाइट जो कि tumblr.com है, tumblr.com का जो एक लिंक जूस मिल रहा है वो हमारी मेन साइट को ही मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आ गया। तो आज के टाइम में हम अपनी वेबसाइट को कई सारी और साइट से लिंक कराते हैं। जैसे जब tumblr.com देख रहे हो तो tumblr.com एक अलग डोमेन है और sanjaywebdesign.com एक अलग डोमेन है। तो यहाँ से कोई भी अगर मेन साइट पे क्लिक करता है, जैसे कि आप निकल लर्न SEO कोर्स बाय एक्सपर्ट जैसे क्लिक करेंगे और आप हमारे मेन पेज पर जाते हैं, तो जो हम ये प्रमोशन का वर्क कर रहे हैं एक्चुअली में, इस प्रमोशन के वर्क को हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें जैसे मैं आपको ये डायग्राम है आपके सामने, एक तरफ तो है ऑन पेज जो कि कई सारे स्लाइडर भी है, कंटेंट, मोबाइल नंबर, और एक तरफ ऑफ पेज। तो हम ऑन पेज एंड ऑफ पेज को दोनों को लिंक कर देते हैं, सो डैट कि ऑफ पेज एक तरीके से सोर्स है और ऑन पेज हमारा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है कि यहाँ से यूजर हमारी मेन साइट पर आएंगे। तो ऑफ पेज में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है डैट इज सोशल बुकमार्किंग। सोशल बुकमार्किंग की अगर हम बात समझे, अगर हम सोशल बुकमार्किंग को थोड़ा सा अलग कर दें तो पहले आता है बुकमार्क। तो बुकमार्क का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि आप कोई भी बुक रीड करते हैं, उसमें आपने एक पेन रख दिया और 2-3 घंटे के लिए बाहर चले गए, जब आप बाद में आते हो आपको ध्यान आ जाता है कि आप इसी पे से आप रीड कर रहे थे, या फिर जब आप क्लास 10th में या 8th में थे आपने वहां पे पेन या पेंसिल से कुछ मार्क कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि दैट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे यहाँ पे बुकमार्क मैंने ऐड किया, सेंटीप्लेक्स का है और भी कई सारे यहाँ पे लिंक्स हैं, या फिर बी के फोल्डर में कई सारे लिंक मैंने ऐड किया हुआ है। तो इट मीन्स ये सारे के सारे बुकमार्क है। मीन्स अगर आपको कोई साइट ओपन करनी है तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने क्लिक किया और आप डायरेक्टली उस स्पेसिफिक पेज पर चले जाते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि एक तरीके से आपका टाइम बहुत बच जाता है, आपको वो साइट सर्च नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपने इसको बुकमार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो बुकमार्किंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता, डायरेक्टली आपको जैसे कि यूआरएल बुकमार्क करना है, आपने इसको बुकमार्क को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऑन कर लिया यहाँ से शो बुकमार्क बार, और मुझे अगर ये बुकमार्क करना है मैंने ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया, फिर से देख लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो ये जो बुकमार्क है आपका, जब भी आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली वेबसाइट आपको यहीं से ही एक्सेस होगी। तो अब जो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये बुकमार्क जो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैं, हम इसको बार बार विजिट करना चाहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी बुकमार्क आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे बुकमार्क, ये बुकमार्क अगर आप लोगों के पास आ जाए देन ऑब्वियसली बात है आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा क्योंकि ये सारे की सारी अच्छी साइट है। ओके, या फिर एक एग्जाम्पल लें, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, एक कोई पर्सन वो मैकेनिकल्स बैकग्राउंड से है, अगर ये सारे लिंक्स अगर मैं उसको शेयर कर देता हूँ तो ये उसके लिए कोई यूज नहीं है, दीज आर यूजलेस। तो इसी तरीके से ये जो बुकमार्क है अगर आपको उसमें सेव करना है
तो आप ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं, आपने ब्राउजर में सेव किया। और इन केस अगर मैं एग्जांपल लूं, आपका विंडो क्रैश हो जाता है, फॉर्मेट हो गया, या फिर लैपटॉप आपके पास नहीं है, तो आप इन सारे बुकमार्क को कैसे एक्सेस करेंगे? तो वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म को नेम दिया सोशल बुकमार्किंग। जैसे भी आप देख सकते हैं एक वेबसाइट है delicious.com। तो delicious.com एक तरीके से एक लिंक है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना लिंक को सेव कर सकते हो और आप इसको जब चाहो, जैसे भी मीन्स आपके पास अगर अपना लैपटॉप नहीं भी है तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक कि इसमें सोशल बुकमार्किंग इज अ मेथड फॉर इंटरनेट यूजर टू ऑर्गेनाइज, स्टोर, मैनेज एंड सर्च फॉर बुकमार्क फॉर ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन। मतलब एक तरीके से एक एक जो भी वेबसाइट आप ज्यादा विजिट करते हो आपने इसको सेव कर दिया। तो मैनी ऑनलाइन बुकमार्क मैनेजमेंट सर्विसेज हैव लॉन्च्ड इन 1996। ओके, 1996 से सबसे फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था डिलीशियस, जो मैंने अभी आपको साइट दिखाया, फाउंडेड इन 2003। पॉपुलर द टर्म्स सोशल बुकमार्किंग एंड टैगिंग, मतलब मेनली जो मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है उसको सेव करना, दैट्स कॉल्ड बुकमार्किंग। तो जो टैगिंग है, टैगिंग भी एक इंपॉर्टेंट फीचर सोशल बुकमार्किंग का ही है, जो लोगों को बुकमार्किंग सेव करने में लोगों की हेल्प करता है। तो ये तो मैंने बात डेफिनेशंस की। तो अगर मैं एक तरीके से कंबाइन कर लूं कि जो भी वेबसाइट आप मीन्स पर डे मोर देन 1 लाख वेबसाइट क्रिएट होती हैं, तो आपको नहीं पता कौन सी साइट अच्छी है या खराब है, तो आप गूगल में जाके इसको सर्च करते हैं। जो वेबसाइट आपको मिलती है आप इसने इसको बुकमार्क कर लिया, तो बुकमार्क करने से क्या होगा कि आप उसको वेबसाइट को कभी भी विजिट कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसी तरीके से और भी कई सारी यू नो बुकमार्किंग साइट होती हैं, जैसे अनलाइक फाइल शेयरिंग, सोशल बुकमार्किंग डजंट हैव द सोर्सेज देमसेल्फ, मेरली बुकमार्क दैट रेफरेंस देम लिंक टू द बुकमार्क पेज। मतलब जो भी हम यहाँ पे लिंक शेयरिंग कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे वेबसाइट को पॉइंट करता है। Descriptions may be added to each bookmarks in the form of metadata. वो भी हम अभी हम हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा इसके बाद में, तो हम एक डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे हम किस तरीके से वर्क करते हैं सोशल बुकमार्किंग में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि सोशल बुकमार्किंग इज अ वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग के लिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को और भी लोग देखें, उसको विजिट करें, तो आप अपनी वेबसाइट को delicious.com या और भी कई सारी वेबसाइट होती है वहां पे सेव कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट एनी सोशल बुकमार्किंग सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि सोशल बुकमार्किंग जो कई सारी सर्विसेज भी होती है, मतलब कि कल के लिए किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको जो मेन टास्क होगा कि ठीक है आपको सोशल बुकमार्किंग करना है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, एक URL दिया जाएगा कि आप कुछ वेबसाइट को सर्च करिए और वहां पे इसको ऐड करिए। सेकंड पॉइंट है, यू कैन आल्सो शेयर योर फेवरेट URL टू योर नेटवर्क वाया सोशल नेटवर्क। Right away, if you are owner of a blog or article or website, so social bookmarking will help you gain your search engine visibility as well as view. अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप सोशल बुकमार्किंग में इसको शेयर कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी वेबसाइट पे आए और विजिट करे। यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट आपसे शेयर किया है, जैसे कि टैगजा, डिलीशियस, रेडिट, डिगो, स्टेबल अकाउंट डॉट कॉम। तो इसका हम लोग एक delicious.com पे प्रैक्टिकल सेशन देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने साइट ओपन किया delicious.com, एक साइट और भी ओपन कर लेते हैं, दैट इज reddit.com। अब reddit.com बेसिकली एक सोशल बुकमार्किंग साइट है जहां पे हम अपनी मोस्ट विजिटेड वेबसाइट को शेयर करते हैं, सेव करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस वेबसाइट का PR 8 आ रहा है, Alexa रैंकिंग दैट इज 1675। तो इतनी अच्छी Alexa रैंकिंग PR होने पर अगर हम अपनी वेबसाइट लिंक को यहाँ पे शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं यू नो स्पाइडर, जब स्पाइडर क्रॉल करेगा इसको तो आपकी वेबसाइट को भी फायदा मिलेगा। जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे यू नो लिंक शेयरिंग किया है और ये n by times का है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक लिंक पे जाऊंगा और वो लिंक है n by times.com का। तो हो सकता है कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा मिल रहा हो या फिर गूगल से कई सारे लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हो। तो जो एक सोर्स है या मीडियम है वो है सोशल बुकमार्किंग साइट। मतलब हम बात करें स्टार्टिंग में तो ये जो कंसेप्ट था सोशल बुकमार्किंग का कि अपनी मेन साइट को आप सेव कर सकते हो, लेकिन बाद में इसका जो कंसेप्ट वो चेंज हो गया क्योंकि जब लोगों ने बुकमार्किंग करना स्टार्ट किया, लोगों का वेबसाइट ट्रैफिक इंप्रूव हुआ, विजिटर्स काफी सारे आए और उन लोगों ने इसको कंसेप्ट को चेंज करते हुए देन बुकमार्किंग करने लगे कि ठीक है आप मुझे अपना वेबसाइट का यू नो बैकलिंक क्रिएट करना है या सर्च इंजन विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। सो मैं इसमें अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ कि आपका अकाउंट अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हर वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है क्रिएट एन अकाउंट या फिर साइन अप,
जो कि एक कंसेप्ट सेम रहता है, इंटरफेस हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, यहाँ पे सबमिट लिंक ऑप्शन है, वहां पे हो सकता है ऑप्शन हो ऐड योर वेब पेज या ऐड योर साइट। तो मैंने इसमें लॉग इन किया। अब लॉग इन करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि सबमिट योर वेबसाइट लिंक, क्योंकि अब मैं इस नेटवर्क के अंदर आ गया हूँ, अब मैं सबमिशन कर सकता हूँ। सबमिशन करने के लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है, तो यहाँ पे सबमिट अ न्यू लिंक पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे बोला यूआरएल कि आपको यूआरएल टाइप करिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी वेबसाइट का रैंकिंग कोई भी गूगल में टाइप करे एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली को इम्प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया और सजेस्ट टाइटल, तो ऑटोमेटिक ये टाइटल को ऐड कर लेगा एसईओ ट्रेनिंग कोर्स। हमारा मेन कीवर्ड है एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, सो आई वांट टू रैंक दिस कीवर्ड, कि हम चाहते हैं कि कोई भी गूगल में टाइप करे और ये रैंक करे। तो हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को मल्टीपल टाइम्स, कई बार हम इसको बुकमार्क करेंगे डिफरेंट अकाउंट से, डिफरेंट टाइटल, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन से। तो इससे क्या होगा, गूगल को पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली से रिलेटेड है। तो ये मैंने इसका सब कैटेगरी टाइप किया, और लास्ट में आके मैंने इसका, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है एक तरीके से कैप्चा, कि आप कैप्चा टाइप करते हैं, इट मीन्स यू आर अ पर्सन, यू आर नॉट अ बोट, और मैंने इसको सबमिट किया। ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं इसको टेक्नोलॉजी में ले लेता हूँ और कैप्चा को फिर से टाइप करता एंड सबमिट। अब जैसे ही सबमिशन पे क्लिक किया, जब तक आपका कैप्चा यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा आपका पेज। कई बार ऐसा भी जाता है कि अगर आपने सबमिशन को ज्यादा किया हुआ है तो ये अपडेट नहीं करते, मीन्स आप एक दिन में reddit.com पर केवल दो बुक मार्किंग कर सकते हैं, वो डिफरेंट आईपी से, मतलब आईपी में कुछ गैप होना चाहिए 1 मिनट या 11 मिनट या 9 मिनट्स का। अब जैसे आप देख रहे हैं एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, और मैंने यहाँ पे लिंक करा दिया, अब जैसे कोई क्लिक करेगा वो एक पेज पर ओपन होगा दैट इज बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली। तो एट द सेम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कीवर्ड है वो ये रैंक कर रहा है, कि अगर मैं गूगल में टाइप करूंगा एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, तो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं टॉप 10 में या टॉप 5 में मे बी दूसरे पेज पर आ रही है। तो ये इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने इस यूआरएल को मल्टीपल टाइम बुकमार्क किया हुआ, मतलब ये है कि दिस इज द वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर, कि बुकमार्किंग से आपका वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूव होता है, प्लस आपका जो ट्रैफिक है वो इंप्रूव होगा। जैसे आप देख रहे हैं एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, हमारा ये जो पेज है ये रैंक कर रहा है, इट्स अ 7th नंबर, 7, 8, 9, 10 या 7 नंबर रैंक कर रहा है ये। तो वो रैंक इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये बुकमार्किंग मैंने किया हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं एसईओ कोर्सेस इन दिल्ली भी कर लेता हूँ तब भी ये वेबसाइट रैंक कर रही है, इसका मेन रीजन यही है क्योंकि मैंने इसको एसईओ कोर्सेस इन दिल्ली से भी कहीं ना कहीं ऐड कराया हुआ है। तो चाहे कोई भी कीवर्ड हो या कैसी भी वेबसाइट हो, अगर आप उसको रैंक कराना है तो सोशल बुक मार्किंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आप उसको यूज करिए और अपनी वेबसाइट को बुकमार्क करिए। और उसमें भी एक लिमिट है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं ऐड किया है, इसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन कोई दूसरी वेबसाइट में अगर आप ऐड करते तो वहां पे ऑप्शंस भी होंगे कि ऐड योर डिस्क्रिप्शन। तो हमें जो डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए, हमें सेम डिस्क्रिप्शन कभी ऐड नहीं करना है। मतलब हमारे मेन कीवर्ड तो हो सकते हैं, और मेन कीवर्ड में भी जैसे कि एसईओ कोर्स इन दिल्ली कर दिया, सेकंड टाइम एसईओ कोर्सेस इन दिल्ली किया, तो इससे गूगल समझेगा कि एक पर्सन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, राइट। सो इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे कई सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिसकी हेल्प से आप प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपनी में जाएंगे तो आपको पर डे 100 बुक मार्किंग करनी होती है, लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट है, अपने क्लाइंट के लिए वर्क करना चाहते हैं, तो क्लाइंट के वर्क करने के लिए कई सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक टूल है उसका नेम है onlywire.com। तो onlywire.com आपके वेबसाइट लिंक को मोर देन 50 वेबसाइट पे वन क्लिक सबमिशन करेगा, मतलब आप एक क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट मोर देन डिफरेंट हाई पीआर वेबसाइट पर आपका लिंक सबमिट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। तो ये जो टूल है ये फ्री टूल नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसका जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड $50 पर ईयर। तो पे करने के बाद में आप जैसे देख रहे हैं फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस या इंडिगो, या फिर यहाँ पे जो रेडिट है ये भी ऑप्शन है, डिलीसेस का भी ऑप्शन इसी में ही है, हाई फाइव वर्डप्रेस, तो आपका वर्क काफी इजी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ एक टूल और भी है, socialmonkey.com। तो socialmonkey.com भी एक अच्छा टूल है, लेकिन इन लोगों का अपना एक अलग नेटवर्क है कि आप जो भी इसमें इनका प्लान लेते हैं, इट्स नियर अबाउट $47 का प्लान है।
वन टाइम करेंगे वो कुछ टाइम के लिए होता है, आपको इतना $7 पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको पर डे ये 25 इनबाउंड लिंक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपकी डो फॉलो होती है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको अभी इससे पहले सेशन बताया था कि नो फॉलो एंड डो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। तो नो फॉलो लिंक पे अगर सबमिशन करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, हमें वहां से ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डू फॉलो की तो वहां से हमको बैकलिंक मिलेगा। तो हमें जो लिंक सबमिशन करना है बेसिकली डू फॉलो साइट पे करना है। तो मार्केट में ऐसी कई सारी वेबसाइट, मतलब हमारी ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जहां पे अपना लिंक सबमिशन कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको स्पैम नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी सोशल। अगर आप स्पैमिंग करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मैंने आपको रेडिट का ही बताया, ऐसे एक साइट और भी है, उसका नेम है प्लर्क। तो plurk.com में अगर आपको सबमिशन करना है तो नॉर्मली इसके लिए भी आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन के बाद नॉर्मली आपसे वेबसाइट लिंक ऐड करने के बोलेगा और आपका यहाँ पे एक सबमिशन हो जाएगा। तो प्लर्क के अलावा भी ऐसी कई सारी वेबसाइट जहाँ पे लोग सबमिशन करते हैं, मैं एक सेशन आपको प्लर्क का भी प्रोवाइड करा देता हूँ। साइन इन किया, आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप यहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर योर फ्री अकाउंट। सो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, लॉगिन कर लेता हूं इसमें। अब जैसे कि मुझे सबमिशन करना है, मतलब एक कीवर्ड उसको रैंक कराना है एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली को, तो डायरेक्टली मैंने लिंक लिया और यहां पर मैंने एक यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट योर वेबसाइट लिंक, बस हमें इतना ऐड करना है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं और प्लग किया। तो प्लग करने से आपका जो वेबसाइट लिंक है वो यहाँ पे ऐड हो गया स्टूडेंट वाली, अगर कोई भी क्लिक करेगा डायरेक्टली उस वेबसाइट पेज पे जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बैकलिंक मिल रहा है, एक ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि जब प्लग का आप एलेक्सा एंड पीआर देखेंगे दैट इज 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं है, फिर से कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है एलेक्सा रैंकिंग इतना अपडेट नहीं हो पाता है। तो क्रॉस चेक आपको करते रहना चाहिए कि इसका एलेक्सा रैंकिंग कितना आ रहा है, क्योंकि 1,20,000 तो हमारी वेबसाइट का है। तो 177 आ रहा है और ये आपका ग्लोबल आ रहा है 1622। तो इतनी अच्छी वेबसाइट से अगर हमारी वेबसाइट लिंक होगी तो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स होते हैं जो हमें यूज करने चाहिए। लाइक अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहे हैं, आपका खुद का वर्क है, तो आप टूल्स को परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंपनी में कर रहे हैं तो कंपनी का जो भी एक सिस्टम होता है, लाइक आपको मैनुअल सबमिशन करना है, आपको पूरी एक रिपोर्ट बनानी है, तो उस तरीके से वर्क कर सकते हैं। और एक ऐसी कंप्लीट एक रिपोर्ट बनती है कि आपने बुक मार्किंग किया है तो कौन से वेबसाइट लिंक पे किया है, सबमिशन आप कर रहे हैं देन सबमिशन करने का लिंक या एड्रेस क्या है। एक मैं रिपोर्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो जैसे ही देख रहे हैं कि शीट है और ये शीट आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे से आप टैब देख रहे हैं, कई सारे टैब बने हुए हैं, तो इसमें एक टैब सोशल बुक मार्किंग का ही बना हुआ है, सोशल बुक मार्किंग। तो जो भी आप सबमिशन करेंगे जैसे कि सीरियल नंबर 1 URL आपने सबमिशन किया है, PR इसका एलेक्सा रैंकिंग की है और आपने सबमिशन इस डेट पे किया है, तो कम्प्लीटली ये एक सिस्टम होता है कि किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप वर्क करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। मतलब एंड ऑफ द डे क्लाइंट आपसे रिपोर्ट मांगेगा तो आप इस तरीके से रिपोर्ट दे सकते हैं कि आपने इस वेबसाइट पर सबमिशन किया हुआ है। तो इससे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान रहेगा कि आपने कौन से साइट पर सबमिशन किया है, या फिर आप भी इसको ट्रैक कर सकते हो कि 5 times बुक मार्किंग करने के बाद आपकी रैंकिंग कहां पर आ रही है, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट और भी टूल्स जैसे कि मैंने सोशल ADR एंड ये मैंने सोशल मंकी बताया, सोशल ADR भी इसी तरीके से एक टूल है जिसमें आप सारा का सारा मैनेज कर सकते हैं एंड बुक मार्किंग कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक हमारा था ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल बुक मार्किंग का, कि हमें बुक मार्किंग कैसे करना है, व्हाट इज द नीड ऑफ बुक मार्किंग एंड हमें यहाँ पे बुक मार्किंग करने से हमारी मेन साइट को फायदा क्या मिलता है, ये सारा हमने आज समझा। आपका एक होमवर्क या फिर अभी जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि कुछ वेबसाइट जो मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बताया था, आप यहाँ पे कुछ अकाउंट्स क्रिएट करिए, और अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी मेन साइट हो उसमें आप अकाउंट बनाइए, बुक मार्किंग करिए और देखिए उसका ट्रैफिक या एलेक्सा रैंकिंग PR कितना बढ़ रहा है। जैसे जो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है ये 6 URL, इन सभी में आप लोग अकाउंट बनाए और अकाउंट बनाने के बाद प्रमोशन करिए, देखिए कि आपका एलेक्सा रैंकिंग या PR कितना इंप्रूव हो रहा है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लॉग कमेंटिंग,
कि विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग कमेंटिंग आप अपनी वेबसाइट ट्रैफिक या फिर रैंकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स नॉट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.